नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। झारखंड छात्र मोर्चा ने LBSM कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा फीस बढ़ाए जाने के मामले को लेकर कॉलेज परिसर में बुधवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रिंसिपल को एक पत्र लिखकर फीस नहीं बढ़ाने की मांग की है। साथ ही यह भी आग्रह किया है कि जब तक कोरोना काल चल रहा है तब तक फीस ना ली जाए और ना ही फीस बढ़ाई जाए। उधर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा फीस बढ़ाए जाने के बाद छात्रों में खलबली मच गई है। एक तरफ लोग दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं, तो दूसरी तरफ स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी और अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। उधर इन विद्यार्थियों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो झारखंड छात्र मोर्चा जोरदार आंदोलन करने में मजबूर होगा। कोरोना जैसे महामारी में छात्रों का फीस 3 गुना बढ़ाना, पहले का फीस 800 लगभग था, अभी कहीं ना कहीं 2700 चला गया है, तो कहीं न कहीं लगता है ये हम लोग छात्रों के साथ धोखाधड़ी है। और कोरोना जैसे महामारी में अगर स्टूडेंट के साथ इतना लिया जाना, कहीं न कहीं स्टूडेंट को पढ़ने से रोका जाए, ऐसा हमें लगता है। ऐसी स्थिति में फी नहीं बढ़ना चाहिए, उसी को लेकर हमने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन सौंपा है और एक कमेटी में पुनः बैठक करने का उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसमें बैठक करके निर्णय लिया जाए। इसके बाद ही आगे का जो मामला होगा डिस्कस नहीं किया। लड़कों के दिमाग में ये भी है, बच्चों के जो आए हमसे मिलने, कि इंटरमीडिएट के लिए जब सरकार पैसा देती ही है तो आप इतना फी क्यों बढ़ा देते हैं। संभवतः बच्चों को यह मालूम नहीं है कि इंटरमीडिएट चलाने के लिए सरकार से एक नया पैसा हमको फंड नहीं मिलता है। सरकार ने जैक ने, जैक से गवर्नमेंट होता है, जैक ने सारे शिक्षकों का जो मानदेय है वह 1.5 गुना बढ़ा दिया और हम जो फी बच्चों से पहले लेते थे उससे उनको वो बढ़ा हुआ मानदेय या बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हम कॉलेज में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे थे। हमने पिछले 2 महीने में लगातार कई मीटिंग बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, इंटरमीडिएट टीचर के साथ, नॉन टीचिंग के साथ किया कि इस स्थिति से कैसे उभरा जाए, क्योंकि पिछले 2 सालों में हमने कॉलेज का जो पैसा जमा था उसमें से 28 लाख रुपए टीचर का सैलरी में दे दिया। दिन भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।